हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनिंग। फॉर्मल वेयर हमने स्टार्ट किया है सीखना। सो फॉर्मल वेयर में फर्स्ट हमने ये एक शर्ट एंड ट्राउज़र ड्रेस एक ड्रॉ किया हुआ था। नाउ नेक्स्ट हम और एक ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज़ फॉर्मल वेयर? फॉर्मल वेयर का मीनिंग हमने यहाँ पे जाना था, दैट इज़ द ऑफिस वेयर्स या यूनिफॉर्म्स, उसमें क्या कहे जाते हैं। सो इंक्लूडेड होते हैं यूनिफॉर्म्स या तो फिर ऑफिशियल हम जो भी ड्रेसअप करते हैं वो। सो फॉर्मल वेयर जब हम डिज़ाइन करते हैं, सो इन दैट फर्स्ट हमें माइंड में सेट करना होता है कि फॉर हुम वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, मतलब किसके लिए मैं ये ड्रेस डिज़ाइन करी हूँ। सो सबसे फर्स्ट ये जो है अभी यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन करने वाली हूँ, सो दिस विल बी फॉर द एयर होस्टेस। सो एयर होस्टेस जो होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन करने वाली हूँ ड्रेस। सो इसमें मैं कुछ पैटर्न जो है, मोस्टली हमने स्कर्ट एंड टॉप जो होते हैं वो कॉमन यूनिफॉर्म है एयर होस्टेस का। सो बहुत हमें ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करने होते, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा चेंज करने जब जाते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, या सो दैट विल बी समवेयर थोड़ा सा डाउटफुल होता है। सो जब हम डिज़ाइन करते हैं, सो गो विथ जो रेगुलर होता है उसी में हमें स्लोली चेंजेस करने होते हैं। सो स्कर्ट टॉप ही मैं डिज़ाइन करूँगी। इन दैट मैं कॉलर में चेंज करने वाली हूँ, यहाँ पे कैस्केड इफेक्ट में ऐड कर रही हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कैस्केड, ये जो zigzag पैटर्न होता है। सो नेक टाई मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सो ये और यहाँ पे जो बेल्ट होगा, वेस्ट बेल्ट, सो इन दैट ये पॉइंटेड मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड ये क्रॉस पैटर्न में यहाँ पे एक ऐड करने वाली हूँ स्कर्ट में, सो दिस वन। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे पप स्लीव्स या लेगो मटन स्लीव्स जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे इसके साथ मैंने डिज़ाइन किया है। सो डिज़ाइनिंग हम जब करते हैं तो वी हैज टू थिंक ऑल दोज थिंग्स कि प्रीवियस पैटर्न्स क्या थे, मतलब जिसके लिए हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। सो जैसे एयर होस्टेस के लिए हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज मत करना। कोई भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं सो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं मिलता है। सो स्लोली हमें चेंजेस करने हैं पैटर्न्स जो होते हैं, सो पहले के जैसा, और उसमें थोड़े से हमें एडिशंस देने होते हैं। ओके, सो दिस इज द स्कर्ट टॉप है, उसमें मैंने ये इनर को कैस्केड कॉलर, उसके साथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड ये यहाँ पे कफ ऐड किया है। सो यहाँ पे बेल्ट में जैसे कि पॉइंटेड एरो आ रहा है, सेम वे मैं ये कफ जो है स्लीव्स के यहाँ पे भी मैं ये ऐड करने वाली हूँ बकल्स। ओके, सो रिपीट पैटर्न हो रहा है वो, सो मैच होता है। ओके फाइन, एंड इसके साथ मैंने ये जो है लॉन्ग शूज़ मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। सो स्टॉकिंग्स मोस्टली जो एयर होस्टेस होते हैं स्टॉकिंग्स कैरी करते हैं, सो स्टॉकिंग्स या इंस्टेड दैट मैंने ये शूज़ यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं। ऑल राइट, सो ये मेरा डिज़ाइनिंग पार्ट हो गया है। अब नाउ इसका कलरिंग जो है, कलरिंग हम करने जा रहे हैं। सो कलरिंग से पहले का स्टेप जो होता है हमारा, दैट इज़ लाइटन द पेंसिल लाइंस। पेंसिल के जो लाइंस होते हैं उनको लाइट करना है, इरेज पाए है। ओके, अभी यहाँ पे मैं ड्रेसअप जो है उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बेबी पिंक कलर फॉर द टॉप। सो दिस इज द टॉप पोर्शन, ये मैं बेबी पिंक कलर का करने वाली हूँ। सो पिंक कलर मोस्टली वुमेन्स का फेवरेट कलर, लेडीज़ को। एंड सी यहाँ पे ये फोल्ड्स मैंने किस तरह से दिखाए हैं आपने देखा जस्ट। सो ये जो कैस्केड का जो टर्न आ रहा है यहाँ से ऊपर स्ट्रोक में यहाँ पे कर रही हूँ। सो स्ट्रोक्स का सेपरेट मेरा वीडियो है, यू गो फॉर दैट।
प्रैक्टिस कर लेना स्ट्रोक्स का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिमेनिंग पोर्शन में प्लेन कलर फिल करने वाली हूँ यहाँ पे। ओके सो अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रोक्स हमने किए होते हैं आउटलाइंस, इनको हमें डार्क करना है, हाईलाइट करना है। ओके फाइन, सो दिस इज माय नेक पैटर्न। सी यहाँ अंदर से बाहर आ रहा है, सो यहाँ पे ये फोल्ड्स दिखाई देगा नेक के, यहाँ पे आपको प्लेन लाइन नहीं दिखाना है। ओके सो नाउ हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज़ द स्कर्ट एंड दिस जैकेट। सो फॉर द जैकेट आई एम गोइंग टू यूज दिस। ओके ओके सो ये मैंने ब्लैक कलर यूज किया हुआ है। इन दैट यू कैन सी कि मैं लाइन्स के जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स किए हैं, दैट इज़ द पैटर्न, कि ये जो टेक्सचर है उसमें मुझे लाइन्स इफेक्ट दिखाना है। सो दैट्स वाई मैंने ये शेडिंग जो किया है, पेंसिल को मैंने लाइन्स आनी चाहिए इस तरह से मैंने पेंसिल को यहाँ पे मूव किया है। एंड द सेम वे स्कर्ट हमें कलर करना है। फॉर द स्कर्ट अगेन मैंने वही कलर लिया है हियर। ओके ओके सी यहाँ पे हमने ये ग्रेश कलर का मैंने यहाँ पे टॉप एंड स्कर्ट को यहाँ पे कलर किया हुआ है। नाउ दिस स्लीव्स एंड टॉप पोर्शन, उसके लिए मैंने बेबी पिंक कलर लिया हुआ है। सो फॉर दिस मैं ये केक कलर्स जो होते हैं वो यूज़ करी हूँ। सो वाइट कलर है एंड इसमें हल्का सा मैंने पिंक कलर यहाँ पे लिया हुआ है, सो वेरी लाइट पिंक कलर। सो ये मैंने ये स्लीव्स पोर्शन एंड दिस टॉप पोर्शन को मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, दैट विल बी रिपीट हियर। ओके और ये जो मैंने बो पैटर्न दिखाया है फॉर दिस, यहाँ पे भी मैं वाइट कलर लेके ओके सो हियर मैंने ये जो डिज़ाइन किया हुआ है एक यूनिफॉर्म फॉर द एयर होस्टेस, सो इट इज ऑलमोस्ट रेडी। अगेन मैंने वाइट कलर लेके हल्का सा यहाँ पे
वाइट कलर का बेल्ट। ये जो बकल है तो दैट विल बी हाइलाइटिंग में डार्क पिंक से निकलेंगे यहाँ पर, फिर आप इस ग्रे कलर से भी उसे दिखा सकते हो। देन दिस पाइपिंग लाइंस यहाँ पे, ये फोल्ड्स मैंने दिखाए, तो ये पाइपिंग आप शो कर सकते हो ग्रे कलर का। ओके सो नाउ हम यहाँ पे इसका शूज़ जो है शूज़ पोर्शन में कलर करने वाली हूँ। सो फॉर द शूज़ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ग्रे कलर। All right. Okay, so see, यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है। सो मेरा ड्रेसअप जो है दिस इज डन। अब ये जो पैटर्न है इस पर मैं बॉबी प्रिंट ये दिखाने वाली हूँ विद द वाइट कलर। सो स्मॉल वाइट कलर की डॉट मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ओके सो बेल्ट विल बी द वाइट कलर। सो कंप्लीट ड्राई होने के बाद वाइट कलर से ये कलरिंग किया हुआ है। एंड द लास्ट पोर्शन ऑलवेज दैट इज द हेयर स्टाइल। लास्ट पोर्शन ऑलवेज दैट इज द हेयर स्टाइल। सो फॉर हेयर स्टाइल मैं यूज़ करती हूँ ऑरेंज मैंगो एंड डार्क कॉफी ब्राउन कलर बिकॉज दीज आर द मॉडल्स। सो हेयर कलर इज हाइलाइटिंग पार्ट। बहुत प्लेन ब्लैक कलर के हेयर स्टाइल्स मत दिखाना कभी भी। उसे कहते हैं ना कि एक फैशनेबल या स्टाइलिश लुक नहीं आता है आपके स्केचेस को। सो टू मेक योर स्केचेस स्टाइलिश अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, इसलिए हेयर कलर्स जो होते हैं सो उन्हें शेडिंग दिखाना ज़रूरी है। सो सी मैंने दो तीन कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं और उनसे आप क्या करना ना वैसे ही कलर्स यूज़ करके इन्हें हाईलाइट इफेक्ट दिखाना है हेयर को।
ऑल राइट, सो रिमेनिंग के ये जो डॉट मैंने दिखाया है, अगेन मैं फोल्ड्स की लाइन यहाँ से मूव कर रही हूँ, सो दैट और ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है कि प्रिंट जो है कभी कभी फोल्ड्स आने की वजह से वो हाफ दिखाई देता है। सो प्रिंट होने के बाद अगेन मैं फोल्ड्स की लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ, देन ये जो बकल्स लूप्स जो है उन्हें हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, सो दिस विल बी द एंड यहाँ पे जो फोल्ड्स है गैदर से स्लीव्स में उनको मैंने एक स्ट्रोक्स यहाँ पे दिए हैं, सो पैटर्न मेरा जो है वो विजिबल हो रहा है। फाइनल टच टू माय स्केच। ओके, सी इफ यू वांट। ओके, सो हियर आप देख रहे हो कि एक मैंने एयर होस्टेस के लिए एक बहुत ही सिंपल एंड स्टाइलिश ड्रेस मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है विद ऑल द डिटेलिंग्स। एक्सेसरीज यहाँ पे दिखाए हुए हैं, दैट इज़ द बेल्ट एंड शूज फॉर द यूनिफॉर्म ऑफ द एयर होस्टेस। सो यहाँ पे हमने आज कंप्लीट किया है फॉर्मल वेयर, एंड फॉर्मल वेयर में हमने देखा है कि एक शर्ट एंड ट्राउज़र हमने ड्रॉ किया था। फर्स्ट वीडियो आपने जो देखा है रिलेटेड टू फॉर्मल वेयर, एंड द सेकेंड वन इज़ मैंने ये स्कर्ट टॉप डिज़ाइन किया है फॉर द एयर होस्टेस। सो यू ऑल्सो डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक ही बार आपने डिज़ाइन किया, मतलब आप अगर बिगनर हो सीख रहे हो तो फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट टाइम ही आपका करेक्ट हो। सो मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि दो तीन बार रिपीट प्रैक्टिस करना होता है, सब तब जाके आपका स्केच कंप्लीट और परफेक्ट होता है। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू प्रैक्टिस एंड बी परफेक्ट इन योर डिज़ाइनिंग। सो सी हर एक स्टेप आप प्रॉपर ऑब्जर्व करो, कंप्लीट वीडियो देखना है सो दैट आपको समझ में आता है कि डिटेलिंग्स कैसे किए हैं, कहाँ कहाँ पे ये आपको सिखाना है, इसलिए मैंने बहुत स्लोली आपको दिखाया है। व्हेन यू बिकम अ परफेक्ट और फास्ट, आपका हार्डली एक 5 to 10 minutes में ये सब जो होता है डिज़ाइनिंग या ड्रेसअप वो कंप्लीट हो जाता है। सो आप भी जब खुद प्रैक्टिस करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि प्रैक्टिस करने के बाद हम जब परफेक्ट होते हैं सो इट इज़ वेरी ईजी।